राजधानी में थानेदारों पर भी चढ़ा जंगल राज का सुमार, जिसके पड़ताड़ना से तंग आकर मौत को गले लगा लेना चाह रहा सैफ का जवान। आप देख रहे हैं न्यूज प्राइम 24 और मैं हूं नवीन। जी हां, राजधानी पटना के बाईपास थाना से एक सनसनी मचा देने वाली खबर आई है, जहां ड्राइवर के पद पर तैनात बाईपास थाना में सैफ का जवान राजदेव प्रसाद सिंह थानेदार अमित कुमार के प्रताड़ना से तंग आकर मौत को गले लगाने की धमकी दे डाली है। जी हां, सुसाइड करने की धमकी दे दी है सैफ का जवान राजदेव प्रसाद सिंह, जिसके बाद सनसनी मच गया है और राजदेव प्रसाद सिंह के सुरक्षा में 3 सिपाही को तैनात कर दिया गया है। जरा आप सोचिए, थानेदार से तंग आकर यह सैफ का जवान मौत को ही गले लगा लेना अच्छा समझ रहा है। ये राजधानी पटना की बाईपास थाना की खबर है। राजदेव प्रसाद सिंह 24 साल बॉर्डरों की सुरक्षा कर बिहार में सैफ में भर्ती हो गया और वह अभी बाईपास थाना में ड्राइवर के पद पर तैनात है, जिसे थाना अध्यक्ष अमित कुमार प्रताड़ित कर रहे हैं, जिससे तंग आकर सैफ का जवान राजदेव प्रसाद सिंह सुसाइड करने की धमकी दे डाली है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। आप इस पूरी रिपोर्ट को देखिए। कल हमको बुला करके कमान दे दिया गया कि आप कमान पकड़िए। हम कहीं सर आखिर इस पर कमान जो भी जिसका बड़े पदाधिकारी का जो आदेश होगा वो आदेश नंबर पर लिख दीजिए। बोला इसके ऊपर रिपोर्ट करो, ये बहुत मुंह खोल रहा है। हमको कमान दे दिया गया। हमको कोई दुख नहीं है। ये पुलिस विभाग, पहले आर्मी में भी हम 24 साल रहे, ये आना जाना लगा रहता है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि हमको किस कारण से यहाँ से कमान दिया गया। मैं कोई यहाँ पर किसी ग्रामीण के साथ कोई किया हूँ, या मैं किसी थाना स्टाफ के साथ कुछ कोई हमने अभद्र व्यवहार किया हूँ, या मैं गाड़ी चलाने में अक्षम हूँ, ये सब चीज़ें हमको हमको सिर्फ जवाब चाहिए कि हम किस कारण से हमको कमान दिया गया। बस इसलिए कि पूर्व में मैं जिस ड्राइवर के नाम पर कमान लेके आया हूँ, वो ड्राइवर अभी यहीं प्रेजेंट है। किस थाना में? बाईपास थाना में ही। मेरे को थाना प्रभारी से कल बात हुई, क्या बोले? कुछ नहीं बोले कि अब हम जो एक बार कर देते हैं कर देते हैं, एक बार कर देते हैं। उनको हम 4 घंटा तक हाथ जोड़ते रहे कि सर मेरा आखिर एक बार सुन लिया जाए, लेकिन वो बोले कि नहीं, हम एक बार जो करते हैं वो करते हैं। तो अब हम आखिर हमारी गलती क्या है, एक बार हमको हम थाना प्रभारी महोदय से यही हम चाहते हैं कि एक बार हमको बता दें गलती, कि तुम ये गलती किए हो, तुम कहीं रास्ते में 2-4 आना पैसा लिए हो, या किसी अपने स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार किए हो, या ग्रामीण के साथ अभद्र व्यवहार किए हो। हम सक्षम अपना खुश हो जाएंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे। हम सोचेंगे कि हम इस नौकरी के लायक नहीं है, हम नौकरी से भी इस्तीफा दे देंगे। बीती रात से आपको 3 कांस्टेबल सुरक्षा में, क्या कारण है? ये हमको मालूम नहीं है। हम देख रहे हैं कि हमारा चारों तरफ लोग इर्द गिर्द में घूम रहा है, लेकिन क्या कारण है ये हमको मालूम नहीं है। बताया जा रहा है कि आप हाँ, ये तो हम बोल दिए हैं सर, जब तक हमको यहाँ इसको हमको रिपोर्ट जवाब नहीं मिलेगा कि मेरे को किस कारण से हटाया गया। मैं अपना परिवार वाले को ही बोल दिया हूँ, परिवार वाले को भी बोल दिया हूँ कि मैं अपना मुंह दिखाने हम घर में नहीं आएंगे, क्योंकि हम अपने बाल बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे कि हम चोरी किए, कि डकैती किए, कि का किए, हमको काहे थाना से हटाया गया। अगर जनरल 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 सबका ट्रांसफर होता तो कोई दिक्कत नहीं था। आत्महत्या करने की बात आ रही है सामने। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम अपना अपने आप में जीना नहीं चाहते हैं। इतना जिद क्यों? जिद इसलिए कि सारा परिवार हमने कारगिल में झोंक के आ गए, अब यहाँ एक थाना में भी अगर चुपचाप 500 रुपए के डेली पर नौकरी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बिना कारण के, मैंने तो अब क्या बताएं इसके बारे में। आखिर आपको क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है?